ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। ये 2 तारीख की दुर्घटना है, जब तकरीबन शाम के 6:55 पे कोरोमंडल एक्सप्रेस जो इस स्टेशन पे चल आ रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, और उसकी दुर्घटना की वजह से जो और गाड़ियां उस स्टेशन से या तो निकल रही थी या उस पर खड़ी हुई थी उनको भी इसकी चपेट में आ गई वो। तो अगर आप ये स्टेशन का लेआउट देखेंगे, ये आपके पास है, ये स्टेशन का लेआउट अगर आप देखते हैं, इसमें 4 लाइन है, ये 4 लाइन का स्टेशन है। इसमें 2 लाइन है एकदम सीधी जिनको हम लोग मेन लाइन कहते हैं, तो जो थ्रू गाड़ियां हैं जिनको स्टेशन पे रुकना नहीं है वो इस मेन लाइन से सीधी निकल जाती हैं। उसके अलावा जो 2 साइड में एक ऊपर एक नीचे दिख रही हैं आपको, वो लाइंस हम उनको लूप लाइन कहते हैं, जहाँ पे अगर हमको किसी गाड़ी को रोकना है तो हम वहाँ पे उस गाड़ी को उस लूप लाइन में लेते हैं। तो यहाँ पे उस समय 2 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को पास होना था अलग अलग डायरेक्शन में। एक गाड़ी आ रही थी उसमें कोई चिंता की बात नहीं। 4 लाइन का स्टेशन है, इसकी जो बीच की 2 लाइन्स है वो मेन लाइन है, जो कि अगर गाड़ी रुक नहीं रही है तो ज़्यादातर उससे जाती है, और जो 2 और लाइन है आजू बाजू अलग अलग वो लूप लाइन कहलाती हैं, जिसमें कि हमको अगर गाड़ी को रोकना है तो हम वहाँ पे उसको ले जाते हैं और उसको वहाँ रोकते हैं। इस दिन इस समय यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी जिनको रोका गया कि ये मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ जो हैं जिनको यहाँ रुकना नहीं है उनको जाने के लिए एकदम क्लियर पाथ मिले। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है लूप लाइन जिस पे लिखा हुआ है स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, ये एक जो हम लोग BCN कहते हैं या कवर्ड गाड़ी होती है मालगाड़ी, वो यहाँ पे खड़ी थी, और नीचे जो लाइन दिख रही है वो अप लूप लाइन है, वो अप लूप लाइन में एक और गुड्स ट्रेन रोक दी गई थी जिससे कि मेल एक्सप्रेस के लिए क्लियर पाथ मिल जाए। वो गुड्स गाड़ी थी एक आयरन ओर से लदी हुई गुड्स ट्रेन, ये दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी कर दी गई थी और जिससे कि मेन लाइन का रूट सेट कर दिया गया था। चेन्नई की तरफ से आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि एक्चुअली बैंगलोर से आ रही थी, डायरेक्शन सेम है, बैंगलोर से आ रही थी, हावड़ा जा रही थी, ये गाड़ी कुछ सेकंड पहले आ रही थी कोरोमंडल से, ये जा रही थी बैंगलोर से हावड़ा की तरफ, और उल्टे डायरेक्शन में हावड़ा से चली हुई, मतलब शालीमार से चली थी, एक्चुअली कलकत्ता का एक स्टेशन है शालीमार, वहाँ से चली थी, शालीमार से चली हुई ये गाड़ी कोरोमंडल ये चेन्नई जाने के लिए आ रही थी। इसके लिए भी मेन लाइन सेट थी, दूसरे डायरेक्शन की थी, जिसको हम लोग अप लाइन, अप मेन लाइन कहते हैं, उस लाइन का डायरेक्शन सेट था, रूट सेट था, हर तरह से सिग्नल सेट थे और सिग्नल ग्रीन थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब है ड्राइवर को सिग्नल का इंडिकेशन अगर ग्रीन मिल रहा है, इसका मतलब है उसका आगे का पाथ एकदम क्लियर है और वो सीधा अपनी पूरी स्पीड, जो भी उसको परमिटेड मैक्सिमम स्पीड है, उस पर वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है। तो वो लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है, वो 128 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया है कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी, तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और मंत्री जी जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, और वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं, वहाँ पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं,
तो ही इज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. सो उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है. हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा. इसलिए हम भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी फाइंडिंग्स हमें कंप्लीट डिटेल्ड फाइंडिंग्स हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई. दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है, ये भी एक चीज़ है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे तीन इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन्स जो है वो आपस में टकरा गईं, कैसे सब एक ही रास्ते में थी. ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी. उस ट्रेन किसी कारण, जिस भी कारण के वजह से, जिसको हमें पता चल गया अभी डिटेल में कि क्या कारण था, वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई. उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए, और ये इतना तेज़ इम्पैक्ट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी. 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है. और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है, तो वो सारा इम्पैक्ट जो है कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी. एंड दी एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया. कोचिंग ट्रेन थी ये. अब इस ट्रेन के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगी. ये ट्रेन है LHB ट्रेन, हमारी जो LHB कोचेस है उसकी ट्रेन है ये. LHB इज़ अ वेरी वेरी सेफ ट्रेन. अगर आप और एक्सीडेंट्स इस तरह की ट्रेन के देखेंगे, आपको मिलेगा कि इवन एट फुल स्पीड ये ट्रेन कैप्साइज नहीं होते, इसके कोचेस जो हैं वो दे डोंट टर्न टर्टल, और इसलिए उसमें जो लोग होते हैं वो उनको कोई ज़्यादा इंजरीज नहीं होती है. अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके. तो मालगाड़ी बिल्कुल नहीं डिरेल हुआ क्योंकि आयरन ओर था वो, तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं, और पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस ट्रेन के ऊपर आ गया जो कि पैसेंजर्स के साथ थी, और उसकी वजह से ये इंजरीज और अनफॉर्चुनेट डेथ्स बहुत हुई. तो ये है बैकग्राउंड इसका. इसके साथ चूंकि इसके डिब्बे बिखर गए इम्पैक्ट के वजह से, कोलिजन के वजह से सारा इधर उधर बिखरे, तो उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए, और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी. वो करीब करीब क्रॉस कर गई थी, वो तो मिसफॉर्च्यून है कि एक लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसके पीछे के दो डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए, और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी दो डिब्बे वो भी डिरेल होके, यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फेंक गए. तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो दो डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई, कुछ डेथ्स भी हुई. सो ये हुई यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि उसमें इन्वॉल्व हो गई. उसके अलावा जो एक और मालगाड़ी दूसरी तरफ जो खड़ी हुई थी, जो हम जिसको डाउन लूप में दिखा रहे हैं, ये आपको स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, ये इस पे भी थोड़ा सा वो डिब्बों का इम्पैक्ट हुआ पर कोई खास उसमें क्षति नहीं हुई. ये पूरे एक्सीडेंट का बैकग्राउंड है. इसके बाद जो सबसे पहला काम हुआ, जो रेलवे में एक बहुत लेट डाउन प्रोसीजर है इस तरह के डिज़ास्टर्स के लिए,
कि वो स्टेशन मास्टर ने तुरंत कंट्रोल को मैसेज करी और उसके बाद हमारी जो मेडिकल रिलीफ ट्रेन होती है वो दो जगह से तुरंत चल पड़ी। 20 मिनट के अंदर वो गाड़ियाँ चल पड़ी। एक आई खुर्दा की तरफ से, मतलब भुवनेश्वर की तरफ से, और एक आई खड़गपुर की तरफ से। भुवनेश्वर वाली पहले पहुँची और उसके जस्ट 10 मिनट बाद खड़गपुर वाली पहुँची। साथ में एनडीआरएफ को इन्फॉर्म कर दिया गया। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी बालासोर में स्थित थी क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन और ये सब फ्लड्स वगैरह के लिए उनकी एक टुकड़ी वहाँ पर मौजूद रहती है। उस टुकड़ी को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया। ये भी मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों की एनडीआरएफ के साथ कंटिन्यूस इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए एक्सरसाइज चलती रहती है, कोऑर्डिनेशन चलता रहता है और हम लोग बहुत सारी मॉक ड्रिल्स करते हैं। उसका ये फ़ायदा हुआ कि एनडीआरएफ की टीम जो बालासोर में मौजूद थी वो भी वहाँ से चल पड़ी तुरंत तैयार होकर और वो भी पहुँची। जो आर्मी की भी वहाँ पे एक टुकड़ी मौजूद थी वो भी मोबिलाइज हो गई, उसको इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, वो भी आ गई। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ थी, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डीएम एंड हिज टीम एंड दी एसपी एंड दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीबडी रिस्पॉन्डेड। लोकल्स जो वहाँ पे थे वो तो खैर दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, वो सारे लोकल्स आ गए एंड इमीडिएटली जितने लोगों को वहाँ से निकाला जा सकता था उनको वहाँ से नज़दीक के अस्पताल ले जाया जा सकता था, उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी थी वो लोगों ने शुरू कर दी। इट इज़ अ मेजर डिज़ास्टर, उसमें एक छोटी चीज़ नहीं है ये, एक इतनी बड़ी दुर्घटना और इतने सारे लोगों को का इन्वॉल्वमेंट था। ये सारे लोग इसमें सिर्फ इसी फोकस के साथ लगे रहे कि कैसे लोगों को की जान बचाई जाए और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। और जो हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे पहुँच गए थे, लोकल डॉक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स पहुँच गए थे, वो फर्स्ट एड वहाँ पे करके एंड इमीडिएटली जो भी इंजर्ड थे उनके लिए जो साधन मिला, जो फर्स्ट अवेलेबल साधन मिला, उससे लोगों को मूव करना शुरू कर दिया। एम्बुलेंसेस तो उसके बाद आई, पर लोगों को इस हिसाब से निकालना और मूव करना शुरू हो गया। ये पूरा बचाव और इसका कार्य पूरी रात चलता रहा। सुबह तक, 3 तारीख की सुबह तक, जब सारे वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए वहां पे, मंत्री जी खुद पहुंच गए, भी ये काम चलता रहा। और करीब दोपहर के 2 बजे के करीब जितने भी लोग उसमें या तो फंसे थे या जिस भी तरह से थे उनको निकाल लिया गया। ये काम जब कंप्लीट हो गया, हर तरह से इंश्योर कर लिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, लोकल पुलिस ने भी ये कंफर्म किया कि यहाँ पे अब कोई व्यक्ति इसमें नहीं है, तब उसके बाद रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ। इसलिए रेस्टोरेशन में अभी समय लगेगा। रेस्टोरेशन में भी बहुत बड़ा काम है क्योंकि यहाँ पे ट्रैक वगैरह सब कुछ एकदम डैमेज हो गया। जो ओएचई के पोल जिस पे कि बिजली के तार चलते हैं वो सब कुछ डैमेज है, तो वो रेस्टोरेशन का काम चलता रहा। उसके बाद पूरी रात मंत्री जी खुद वहाँ पे उसको सुपरवाइज करते रहे सीनियर ऑफिसर्स के साथ, हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे मेंबर इंजीनियरिंग जो हैं वो खुद और मेंबर रोलिंग स्टॉक सब लोग वहाँ पर रहे, जनरल मैनेजर्स, डीआरएम सब लोग वहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम हमारी टीम्स जो कि लेबर, सारा टेक्निकल टीम्स, सारे मटेरियल जो चाहिए रिप्लेस करने के लिए सब लोग वहाँ पे मोबिलाइज होते रहे। सारी रात वो गाड़ियाँ भी शटल की तरह से चलती रहीं और वो सामान वहाँ पे पहुँचा के अभी आप देख ही रहे हैं कि रेस्टोरेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। शायद शाम तक 8-8 बजे तक हमको एक लाइन मिलने की उम्मीद है। हो भी सकता है कि अगर काम ठीक चला तो दोनों लाइनें इस लायक हो जाएंगी कि कुछ गाड़ियां निकल सकें, धीमी गति से निकल सकें।